तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अब तक अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 6 भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, लेकिन पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो दूसरी बार ऐसा करेंगे। 2014 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 11 देशों की संसद को संबोधित किया है। इन देशों में एक ऐसा देश भी है जिसने कभी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए अपनी संसद के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन उस देश ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया और पहली बार अपनी संसद को संबोधित करने का सम्मान किसी विश्व नेता को दिया। Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जून को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, तब एक नया इतिहास बनेगा, एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होगा जिससे पीएम मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 22 जून को ऐसा 12वीं बार होगा जब पीएम मोदी किसी विदेशी संसद को संबोधित करेंगे। अब तक के अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी को 11 देशों की संसद को संबोधित करने का सम्मान मिल चुका है। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री के विदेशी संसद को संबोधित करने की सबसे बड़ी संख्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 4 बार विदेशी संसद को संबोधित किया, तो उनके पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। वहीं इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 2 बार विदेशी संसद को संबोधित करने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार ही विदेशी संसद को संबोधित किया। वहीं मुरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को केवल 1 बार ऐसा करने का मौका मिला। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में से पीएम मोदी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिल चुका है, लेकिन इनमें पीएम मोदी को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का अवसर मिला हो। 22 जून को पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान की, जहां उन्होंने जून 2014 में भूटानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का दौरा किया और वहां के संसद सह संविधान सभा को संबोधित किया। उसी साल नवंबर 2014 में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए और ऑस्ट्रेलियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहला संबोधन था। नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया। फिजी की संसद में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री और किसी भी विश्व नेता का पहला संबोधन था। पीएम मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका की संसद को संबोधित किया। वहाँ भी ये पहली बार था जब किसी भारतीय पीएम को श्रीलंकाई संसद को संबोधित करने का विशेषाधिकार दिया गया। मई 2015 में पीएम मोदी ने मंगोलिया की संसद को संबोधित किया। मंगोलिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। वहीं नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने यूके की संसद को भी संबोधित किया। वहाँ भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रिटिश संसद में ये पहला संबोधन था। जबकि दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मित्र देश अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। तब तक पीएम मोदी के करीब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इस दौरान उन्हें 8 विदेशी संसद को संबोधित करने का सम्मान मिला। तभी जून 2016 में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा निर्धारित हुआ, जहां उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का सम्मान दिया गया। इसके बाद जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। वहां भी ये पहली बार था जब किसी भारतीय पीएम ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। जबकि जून 2019 में पीएम मोदी ने मालदीव की संसद को संबोधित किया। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही जादू है,
जो उन्हें विदेशी संसद को संबोधित करने के मामले में भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची में सबसे आगे रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये उपलब्धि भारत के बढ़ते कद और पीएम मोदी के बढ़ते प्रभाव की मिसाल है।